जब भी आता हूँ इधर की गले की नहीं खाता हूँ, घर की तरफ नहीं, घर की तरफ डेली खाते। कितने अरसे से खा रहे हो? भाई इस दिल्ली पेपरी कलेजे की जो लेगेसी है बहुत पुरानी है। इनके जो उस्ताद थे वो तकरीबन 30-35 सालों से दो चार गली आगे लगाया करते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका वो टेस्ट नहीं रहा, तो इन्होंने उस लेगेसी को यहाँ से कंटिन्यू किया है और उनसे कुछ ज़्यादा ही अच्छी ये चीज़ बनाते हैं और बेहतरीन बनाते हैं। और यहाँ पर नॉन स्टॉप जो है मगरिब के वक्त ही अपना स्टॉल स्टार्ट करते हैं और जो रश शुरू होता है उसके बाद रश रुकने का नाम नहीं लेता और नॉन स्टॉप तवे पे तवे लगते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हाथ रुक जाए। और बिल्कुल इकोनॉमिकल भी है, जेब पे भारी भी नहीं पड़ती, हर कोई मज़ा भी ले सकता है, उससे पेट भी भर लेता है। 40-50 रुपये की ये दिल्ली देते हैं, फेफड़ा देते हैं कलेजी और साथ ही रायता होता है, चटनी होती है अच्छी और कड़क डबरोटी के साथ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं इसको और नान भी ले आते हैं लोग, मगर ज़्यादातर लोग सर्दी में मज़ा आता है। वैसे ये साल के 12 महीने मिलती है। और वाहिद ये स्टॉल है जहाँ पर तिल्ली लगने से पहले ही दूसरा तवा बुक हो जाता है। अभी ये स्टार्टिंग का टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रश बढ़ना शुरू होगा और रश ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ पे लेडीज़ घर के लिए लोग ले जाया करते हैं अपने लिए। और ये मेरे कैमरामैन जो हैं शहबाज, ये अभी उतावले हो रहे हैं खाने के लिए, इनको ज़बान पे जायका लग रहा है, ये बिल्कुल इसको चखने के लिए तैयार बैठे हैं। हम एक प्लेट ऑर्डर करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह की इसके जो है विजुअल्स हैं और किस तरह मज़ेदार ये करेंगे। तो कलेजी हमारी यहाँ पर जो है इसी मसालेदार और एकदम जो है ना ऑयली और बिल्कुल चटकारेदार कलेजी होती है। घर की तरफ नहीं जाते। तो यहाँ अमूमन लोगों का यही हाल है कि सालों से हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि जब तक हम ये खाए नहीं हमें नहीं रास कुछ भी। ये अलग चीज़ है, कुछ बिल्कुल बिल्कुल इनके मसाले, इनके पकाने का तरीका, इनकी मैरिनेशंस बिल्कुल हटके होती हैं। और एक तवा ख़त्म नहीं होता कि दूसरा लगता जाता है, तवा ख़त्म नहीं होता दूसरा लगता जाता है, इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। डबल रोटियाँ पार्सल होती रहती हैं, लोग पराठे नान अपने होटलों से लेके आते हैं, मगर ज़्यादातर ये डबल रोटी के साथ खाया जाता है। और इस तरीके की ये मसालेदार होती है, साथ ये रायता देते और मसाला है ऊपर छिड़क के देते और बेहतरीन जो इनका टेस्ट है। और इकोनॉमिकल एक कोई बंदा जायका लेना चाहे वो भी खा सकता है, जो पेट भरना चाहे वो भी खा सकता है, गरीब भी खा सकता है अमीर भी खा सकता है। इसके बाद आप क्या कहना चाहोगे, आपने पहले खाई है? ये बहुत खाई हुई है, आपको कैसी लगती है? जायकेदार है, यहाँ का मशहूर है, जो खाने वाला सस्ता है, इससे पेट भी आपका भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जायकेदार है, यहाँ का जायकेदार है, गरीब का खाना और मज़ेदार खाना। ये जनाब इसके क्लोज शूटअप्स आपको दिखाते हैं कलेजी। तो ये लाइट यहाँ पर जनाब इस वक्त गई हुई है और ये एकदम गहमा गहमी वाला रोड है, यहाँ पे एकदम दिल में बिल्कुल रश रहता है। आगरा ताज गाजी स्कूल के बिल्कुल गेट के साथ जो है ये कलेजी लगाई जाती है, दिल्ली कलेजी पेपर बाबू होटल के सामने। सर आपको कैसी लगती है ये? बहुत अच्छी है, मैं डेली खाता हूं। कितने अरसे से खा रहे हो? बचपन से ही खाते आ रहे हैं, मुझे 30 साल हो गए खाते हुए, 30-32। का जायका कैसा लगता है? वो जो बटन चिकन वाली साहब लगाते हैं और अभी भी वही सेम टेस्ट है, बिल्कुल, बल्कि पहले से थोड़ा अच्छा हो गया, बहुत मसालेदार है। तो यहाँ पे जो पिछला तवा था वो यहाँ पे जा चुका है और नया तवा लगा है और अभी फिर जो है ये जैसे ही ख़त्म होता जाएगा इसके बाद एक तवा जो है और लगना शुरू हो जाएगा और फ्रेश कलेजी यहाँ पे बनती जाती है और जलती जाती है, बनती जाती है, जलती जाती है, नॉन स्टॉप हाथ चलता रहता है, रुकता नहीं है। यही जो है इनकी कमाल महारत है कि ये फ्रेश फ्रेश देते रहते हैं, सर्व करते रहते हैं और लोग इंजॉय करते हैं।
ये अभी रश कम है, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। हम ज़रा जल्दी आएँ क्योंकि हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट दिखनी थी, तो यहाँ पे हम लेंगे कड़क डबल रोटी और कड़क डबल रोटी के साथ जो है इसे ट्राई करेंगे। अभी बंद है यहाँ पे जनाब, हम गर्मा गर्म बेकरी पे खड़े हैं, रोटी आ गई क्रिस्पी क्रिस्पी गर्म गर्म, और ये हम लेंगे बिल्कुल पाव की तरफ। तो आपको एक अच्छी सी ऑप्टिमम बैंड बनाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे बाइट कलेजी। यहाँ से लगाएंगे थोड़ा सा मसाला ऑयल, ऐसे में लगाएंगे तो ये बनेगी बेहतरीन ऑप्टिमम बाइट। तो दीवाने करेंगे, अब हम यूँ 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 करके नहीं दिखाएंगे, वाह वाह मज़ा आ गया, हमें तो मज़ा आता ही आता है, अंदर ना सुकून आता है। तो यहाँ पे पहला बैच लग चुका है और यहाँ पे जो है फ्रेश जो है स्पाइसेस वाली कलेजी आ चुकी है मसाले समेत, और ये अभी बनना शुरू हो जाएगी। जब तक ये बनेगी ये निकल जाएगी और ये बन के फिर जो है वहाँ पे साइड पे लगेगी और फ्रेश भी इस तरह बनते जाएंगे और निकल जाएंगे नॉन स्टॉप, इस तरह ये काम चलता रहता है। यहाँ पे ये भाई जो है रायते पैक करते रहते हैं, पार्सल देते रहते हैं सबको, डबल रोटी और ये सब, इनका सिस्टम देखना इनका ऐसा। तुम एक बाइट और ले लो। तो यहाँ पे शहबाज, मैं वीडियो बनाना भूल गया था, शहबाज एक बाइट और लेगा, आपको एक बाइट और दिखाते हैं बेहतरीन कलेजी की। मुझे दिखाओ बाइट, बड़ी क्विक खा लेते हो यार तुम तो। आगरा ताज गाजी स्कूल के सामने, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे लोग जो है तिल्ली का बन भी बनवा लेते हैं कलेजी का, और 50 रुपये का ये बन बना के देते हैं वीआईपी घर पे कड़क डबल रोटी का, उसमें रायता भी डालते हैं, तिल्ली डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं और बेहतरीन किस्म का जूसी स्पाइसी मसालेदार जो है बन बना के देते हैं कड़क। तो लोग ये भी बहुत वो तो दीवाना कर दूँ। तो यहाँ पे तिल्ली का जो लोग हैं वो बन भी बनवा लेते हैं, 30 से 40 रुपए का बन बनाया जाता है, इसमें ढेर सारी तिल्ली डाल के, मसाला डाल के, रायता डबल रोटी पे डाल के मज़ेदार सा बन बना के दे दिया जाता है लोग। तो यहाँ फैमिलीज बहुत आती हैं, फैमिलीज को हम दिखा नहीं सकते ड्यू टू सम रीज़न।
भाई साहब तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरह रायत है कि जो है ये बाउल बार बार खाली होते रहते हैं और फिल रीफिल होते रहते हैं, कलेजी जो है यहाँ पे बनती रहती है और रीफिल होती रहती है, दोबारा दोबारा बैच बनते रहते हैं, नया नया तवा लगता रहता है और इसी तरीके से निकलती रहती है। और सबसे मज़ेदार बात एल्यूमिनियम फॉइल में ये जो है इसको इस तरीके से पेश करते हैं। कस्टमर्स यहाँ पे आते जाते हैं, खाते जाते हैं, अपना एंजॉय करते जाते हैं। तो एक जनाब आज की हमारी फर्स्ट रेपी बिहारी आगरा का ज्यादा नाम है उमेर भाई, कलेजी पीने वाले वाले बहुत मज़ेदार भाई से मज़ा था खाने का तो इसी के साथ आपके आज के ब्लॉग करते हैं मतलब और जिससे इस तरह किसी और वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करें कमेंट करें, लाइक का हाथ जरूर कीजिएगा। आपकी तो ज़्यादा